तरंग क्या है? तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह हलचल अथवा क्या है, विक्षोभ है जो अपने मार्ग में बिना परिवर्तन किए हुए क्या होती है, संचरित होती है। उसे क्या बोलेंगे? तरंग बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो वो तरंग किसे कहते हैं, बहुत बहुत सुनिएगा परिभाषा। तरंग, तरंगे जो होती है वह किसी भी माध्यम में उत्पन्न वह हलचल अथवा विक्षोभ होती है जो अपने मार्ग में बिना परिवर्तन किए हुए आगे क्या होती है, बढ़ती है। अगर मान लो कोनो, अगर पोखरा है, तालाब है, तीर्था है, अगर उसमें क्या पूरा पानी भरा हुआ है, देखते होंगे गांव के जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पोखरा और तालाब में छोटा छोटा पत्थर लेकर फेंकते हैं। अब क्या बोलते हैं, हम लोग समय में कहते हैं तितली फनाना, और आप लोग क्या बोलते हो? जैसे मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा ऐसे लेकर के ऐसे क्या करते हो, ऐसे फेंकते हो, अगर दो तीन जगह टच कर दिया, ठीक है, क्या बोलते हो उसको तुम? अच्छा, अलग अलग भाषा में हम लोग क्या कहते, तितली फनाना कहते थे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको लेकर पत्थर टुकड़े को जब ऐसे पानी फेंकेंगे, जितना जगह टच करेगा ना, वहां क्या होता है, इसे गोल गोल घूमेगा, देखे ना, ऐसे क्या होगा, गोल गोल क्या होता है, घूमेगा, और वो क्या होता है, गोल गोल घूमते घूमते क्या करेगा, वो किनारे की तरफ चल जाएगा, फिर वहां टकराएगा, मतलब किनारे की तरफ कब जाएगा, जब बड़ा पत्थर आएगा तब जाएगा, छोटा मोटा पत्थर है वहां गोल गोल घूमते घूमते फिर क्या होता है, वो शांत हो जाता है। तो जब पत्थर को पानी में जे फेंकते हैं तो अपन जगह बनाएगा, जगह बनाएगा तो पानी को हटाएगा, अब ये पानी को हटाता है उसके अंदर क्या हो गया, हलचल उत्पन्न हो गया। अब हलचल उत्पन्न होता है तो क्या करता, अपने मार्ग में बिना परिवर्तन किए हुए ऐसे जाएगा और अपने किनारे से क्या हो, टकराएगा, फिर जब टकरा करके भाई पानी टकरा रहा है, फिर पानी पुल वहां से फिर रिटर्न आएगा, फिर आएगा, फिर जब पुल एक तरफ आएंगे ना चारों तरफ से, तो क्या होता है वहां पे ऊंचा हो जाएगा। अब पानी हमेशा क्या होता है, समतल होता है, चाहे पानी नीचे का जो कुछ भी हो, खेत है, पोखरा, नीचे कुछ भी हो, ऊंचो खाल उस मतलब नहीं है, लेकिन पानी क्या होता है, हमेशा समतल होता है, क्योंकि तरल पदार्थ है, उसका आकार बदलता रहता है लेकिन आयतन बदलता नहीं है। तो बाबू जब यहाँ पे तरंग जो होता है किसी माध्यम में उत्पन्न वह हलचल अथवा विक्षोभ है जो अपने मार्ग में बिना परिवर्तन किए हुए आगे क्या करती है, बढ़ती है। अब तरंगे जो होती है वो दो प्रकार की होती है, तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, खूब ध्यान सुनना है, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है, उन तरंगों क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लो एक कील आधार सीधा है, मान लो दीवार है, एक कील गाड़ के यहाँ पे रस्सी लिया के बांध दिए, बांध दिए, जब रस्सी को पकड़ के बाबू थोड़ा सा क्या करिए, ऐसे विस्थापित कर दीजिए, जी इसको झटका दे देंगे, इसको विस्थापित कर देंगे ऐसे, तो क्या करेगा वो, ऐसे कंपन करेगा, करेगा कंपन, जैसे जैसे सांप की तरह ऊपर जाएगा नीचे आएगा। आने देखिए, जब जी इसको विस्थापित करेगा ना, ये इस तरह से कंपन करना क्या करेगा, ये स्टार्ट, ऐसे में जब ऊपर की ओर जाता है तरंगे उसे क्या बोलते हो, श्रृंग, और नीचे वाले को गर, गर, फिर क्या बनेगा, श्रृंग, फिर क्या बनेगा आगे, गर। यानी वे तरंगे जिनमें श्रृंग गर बनता है वो तरंगे क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। आगे समझ में, अब बहुत ध्यान देना है, एक श्रृंग और एक गौर, एक श्रृंग
वर्त मिला करके एगो आवर्त काल होला, आवर्त काल। एक श्रृंग और एक गर्त मिला के क्या होता है, एक आवर्त काल होता है। ऐसा में फिर यहाँ पे श्रृंग और गर्त मिला क्या होता है, एक आवर्त काल। एक आवर्त काल मतलब एक चक्कर लगा दिया, देखो ऊपर गई फिर यही आ गई, एक चक्कर हो गई, हम जहां से चलते वहीं चले आए तो क्या हो गया, एक चक्कर हो गया। तो वे तरंगे जिन माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है उन्हें क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। आगे समय जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, ठीक है, या रस्सी में उत्पन्न तरंगे, ठीक है। अब आता है आगे अनुदय तरंगे। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के, वे तरंगे जिन माध्यम के कण तरंगों की संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, वे तरंगे जिन्हें माध्यम के कण तरंगों की संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं उन तरंगों क्या बोलते हैं, अनुदय तरंगे कहते हैं। जैसे बहुत ध्यान दो, स्मॉल स्क्रीन है, आप स्क्रीन देखिए नॉर्मल है, आप ऐसे रखे हुए ठीक है, लेकिन अगर इसी स्क्रीन को आप अगर खींच कर छोड़ेंगे तो कहीं पे उसके जो पास पास हो जाएगा, फिर कहीं क्या हो गया, दूर दूर हो जाएगा, फिर पास पास हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कम दूर दूर हो जाएगा। जब पास पास होता है उन्हें क्या बोलेंगे, जो पास पास होता है उसे कहते हैं संपीड़न, क्या बोलेंगे, और जो दूर दूर होता है उसे क्या बोलेंगे, विरलन, क्या कहेंगे उसको हम, विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। जिस वे तरंगे जिनमें संपीड़न और विरलन, वे तरंगे जिनमें संपीड़न और विरलन बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ अनुदय तरंगे कहते हैं। ऐसे में इसी प्रकार एक आता है स्वरित द्विभुज, स्वरित द्विभुज की इसी आकार का होता है, जिसे कहते हैं स्वरित द्विभुज, ठीक है। मान लीजिए इसको हाथा पकड़ लीजिए, पकड़ करके चमड़े का पैड होता है, इसे मारेंगे ना तो क्या होता है, ऐसे अंदर क्या करता है, अंदर बाहर बहुत तेजी से क्या होता है, वो कंपन करता है। जब अंदर की तरफ जाता है तो कहते हैं सर जी पास पास हो गया संपीड़न, बाहर जाएगा विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। आगे सम एक संपीड़न और एक विरलन मिलाकर क्या होगा, एक आवर्त काल होगा। आगे समय तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदय।